कुछ भी बोलने जा रही है, तो डैडी जी ने सुन लिया ना तो कटिया खड़ी हो जाएगी। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ दो मिनट, अब नहीं सुनी तुम दोनों की बात। क्या गलत कहा है मैंने बताओ, कौन बड़ा है, डैडी जी बड़े हैं या मनदीप भाई साहब? किसको पहल करनी चाहिए बात करने की, उनको ना, और कर कौन रहा है? अरे पैसे भेजने भेजो और भर भर के भेजो, लेकिन चोरी चुपके नहीं। कितनी चीप हरकत की है उन्होंने, जान बूझ के किया है ये, ताकि डैडी जी उन्हें फोन करें, उनकी मिन्नतें करें। अब कहूं या ना कहूं, लेकिन आज मैं कहूंगी कि बहुत गलत कर रहे डैडी जी। जो बेटा आता जाता रहता है, इतना पूछता है, इतना मानता है, उसके लिए आज तक प्लीज कुछ तो सोच के बोलो, चुप कर जाओ वरना वरना तोपे जल जानी है। उनके सीन की मैं बात करूँ, काफी इमोशनल सीन है, काफी लोग मतलब रो हार हार रही लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? सभी रो रहे थे घर में, 25 सालों से वेट हुआ है इस मोमेंट का। बीजी जो हैं वो उन्होंने 25 सालों से बात नहीं की अपने बेटे से, तो वीर की तरफ से तो जो कोशिश थी वो अच्छी ही थी, अच्छे इंटेंशन से ही थी, लेकिन अमृता को पता था कि इसका अंजाम क्या होगा और अल्टीमेटली वही हुआ। और अमृता बहुत गुस्से में है वीर से कि क्यों किया, और मतलब बेसिकली होता है किसी का गुस्सा किसी पर निकलता है, तो वो धारजी से ऑलरेडी बहुत गुस्से में तो है ही, बिकॉज उसको पता था कि ये जो इंसान है ये कभी उनके डैड के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनके मन में इतना कुछ भरा है डैड के ऑपोजिट, तो वो एक दिन में तो चीज़ें ठीक होंगी नहीं। फ़ोन पे बात भी होगी तो डैड परेशान होंगे वहाँ पे अमेरिका में, और मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मैं उनके पास होंगी नहीं चीज़ें ठीक करने के लिए, तो वो अपने डैड को लेकर भी बहुत कंसर्न है, प्लस यहाँ पर भी अब वो बीजी से अटैच्ड है। और वही हुआ, काट दिया फ़ोन दारजी ने अल्टीमेटली, क्योंकि उनका जो ईगो है वो बीच में आ गया और गुस्सा बीच में आ गया, तो अमृता का भी गुस्सा अंदर ही अंदर, वो कुछ बोल तो सकती नहीं है दारजी से, प्लस वो बीजी को इस हालत में देख रही है कि वो रो रही, उनकी उम्मीद टूट गई, तो अब बेसिकली अमृता के अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी वो वीर पर निकलेगी, बिकॉज झूठी उम्मीद उसने ही दिलाई, क्योंकि उसको अमृता बेसिकली उससे पूछने वाली कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि यही होने वाला है, तो तुमने क्यों झूठी उम्मीद दी बीजी की, बीजी के बारे में भी एक बार सोच लेते, तुम्हें पता था अल्टीमेटली यही होना है, क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ, एक लेटर भी आया है, वो देखती है अमृता, बट फिलहाल वो बहुत गुस्से में है, और पहले तो वो वीर से जाके बात करेगी, फिर ही पता चलेगा कि इस लेटर में क्या है। अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, घर में ये इशू है, प्लस मेरे डैड को भी कहीं ना कहीं बार बार इंडियन कनेक्शन आ रहा है, तो आई डोंट थिंक उनसे ज़्यादा देर तक छुपा रहने वाला है ये बात कि मैं इंडिया में, प्लस लैंड का मैटर है, एनओसी का मैटर है जो अमृता को सॉर्ट करके देना है, और लैंड का भी मैटर सॉर्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है।